हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की वीडियो में मैं उत्तर प्रदेश के परिषद विद्यालयों के शिक्षकों के लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं, और खबर है हाई कोर्ट के एक फैसले से संबंधित। हाई कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि उत्तर प्रदेश के सभी शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों व बच्चों का 26 अप्रैल तक का अवकाश। चलिए खबर को विस्तार से देखते हैं। उत्तर प्रदेश के समस्त शैक्षिक संस्थाओं में 26 अप्रैल तक अध्यापकों एवं अन्य स्टाफ का अवकाश किए जाने हेतु माननीय उच्च न्यायालय का आदेश। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के स्टाफ की 26 अप्रैल तक छुट्टी, हाईकोर्ट ने दिया आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान 26 अप्रैल तक बंद करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा कि इस दौरान शिक्षक और स्टाफ की छुट्टी रहेगी। हाईकोर्ट ने कहा है कि चाहे निजी हो या सरकारी, सभी प्रतिष्ठानों को 26 अप्रैल तक बंद कर दें। कोर्ट ने कहा कि केवल आवश्यक सेवाओं को छूट दी जाए। हाईकोर्ट ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर के लिए यह निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि वित्तीय संस्थानों के विभागों, चिकित्सा और स्वास्थ्य सेवाओं, औद्योगिक और वैज्ञानिक प्रतिष्ठानों, नगर पालिका के कार्यों और सार्वजनिक परिवहन सहित आवश्यक सेवाओं को इस दौरान केवल छूट दी जाएगी। वहीं इससे पहले यूपी सरकार ने सभी स्कूलों को 15 मई तक बंद करने का आदेश दिया था। सरकार ने कहा था कि इस दौरान जरूरत के हिसाब से शिक्षक और अन्य स्टाफ को बुलाया जा सकता है। इससे पहले कोरोना संक्रमण को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने हाई स्कूल और इंटर की बोर्ड परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी हैं। यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी 15 मई तक टाल दी गई हैं। इससे पहले 30 अप्रैल तक स्कूलों को बंद कर दिया गया था, जिन्हें बढ़ाकर अब तारीख 15 मई कर दी गई है। तो साथियों, इस वीडियो से यह अवगत हो जाता है और क्लियर हो जाता है कि जो ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं, पांच हैं, प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ, कानपुर और गोरखपुर, इनमें समस्त स्टाफ की छुट्टी रहेगी, कोई भी विद्यालय नहीं जाएगा। तो साथियों, इस वीडियो को बनाने का मकसद आपको अपडेट देना था। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी, और आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर भी करें और लाइक भी करें। साथियों, प्लीज़ आप मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। धन्यवाद।